प्रीता की हो गई पुराने करण से मुलाकात। लेकिन अर्जुन पुराने करण से प्रीता को मिलवाने के लिए रखेगा ऋषभ प्रीता के बीच बड़ी शर्त, और हो गई नई करण की गर्लफ्रेंड यानी दूसरी विलन की वापसी, और होगा बड़े राज का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब कुंडली भाग्य की कहानी को पहले 9 महीना आगे बढ़ा दिया जाएगा और प्रीता हॉस्पिटल में अपनी कोख से बच्ची को जन्म देगी, तभी उस बच्ची का नाम और कुछ नहीं बल्कि राखी माँ काव्या रखेगी। जिसके बाद सीधे जब कहानी को 5 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा और प्रीता करण की बच्ची यानी काव्या 5 साल की हो जाएगी, तभी उसका पहले दिन स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ऋषभ प्रीता काव्या को मार्केट से ले जाएंगे। तभी मार्केट में काव्या को रस्ते के खिलौने पसंद आ जाएंगे, जिस वजह से ऋषभ प्रीता काव्या के लिए खिलौना खरीदने के लिए गाड़ी रोकेंगे। लेकिन रस्ते पर बलून को देखकर काव्या जब बीच सड़कों पर चली जाएगी और ट्रक काव्या के सामने आ रहा होगा और काव्या का एक्सीडेंट होने ही वाला होगा, तभी सबसे बड़े मल्टीनेशनल होटलों का मालिक अर्जुन काव्या को बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते हुए आ जाएगा। जहाँ पर जब प्रीता ऋषभ काव्या को बचाने के लिए दौड़ते हुए अर्जुन के पास पहुँचेंगे और प्रीता गहरी सांस लेते हुए कहेगी थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी जान ही बचा ली। तब अर्जुन प्रीता को रोकते हुए कहेगा जान लेने वाले लोग जान बचाने की बातें नहीं करते, मिसेस प्रीता ऋषभ लूथरा। यह कहकर अर्जुन प्रीता ऋषभ की आंखों में आंखें डालकर उनकी बेटी को उनके ही सामने अचानक से अपनी सबसे बड़ी कार में बैठकर चला जाएगा। जहां पर प्रीता जब सड़कों पर रो रही होगी और ऋषभ को कहेगी कि वो कौन था और मेरा और आपका नाम उसे कैसे पता, तब ऋषभ कहेगा मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ प्रीता जी, आप टेंशन और स्ट्रेस ना ले, काव्या को वापस लाने की जिम्मेदारी प्रीता जी अब मेरी है। यह प्रीता को कहकर जब ऋषभ अर्जुन की गाड़ी के नंबर प्लेट के जरिए पुलिस वालों को इंक्वायरी करेगा और कहेगा कि इसने हमारी बच्ची को हमारे सामने बचाया था और बचाकर उसे अपनी कार में ले गया और उसने प्रीता जी और मेरा नाम भी लिया था, यानी कि वो मेरे बिजनेस में से कोई पहचान का ही है, इसलिए आप प्लीज इस कार ओनर के ऊपर FIR दर्ज कीजिए ताकि मेरी बच्ची काव्या जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। तभी उसी वक्त अर्जुन काव्या को लेकर ऋषभ के सामने पुलिस स्टेशन आ जाएगा और ऋषभ के सामने पुलिस वालों को काव्या को सौंपते हुए कहेगा ये रही काव्या और कहेगा कि मैं इनकी बच्ची को इसीलिए ले गया था क्योंकि इन्हें अपनी बच्ची से प्यार ही नहीं है और ये अपनी बच्ची की परवाह करना जानते ही नहीं है, बस दूसरों की बीवी का कैसे ध्यान रखा जाता है इसकी ही परवाह करना जानते हैं। यह सुनकर ऋषभ को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और पुलिस स्टेशन में सबके सामने ऋषभ गुस्से से अर्जुन का कॉलर पकड़ लेगा और कहेगा तेरी इतनी हिम्मत मेरे बारे में ये सब बोलने की, आखिरकार तू है कौन और मेरे बारे में जानता क्या है। तभी अर्जुन ऋषभ का हाथ पकड़ के ऋषभ को धक्का मारते हुए कहेगा दूर है मुझसे, तेरे बारे में ऋषभ लूथरा मुझे सब कुछ पता है, इसलिए पहले तुम दुनिया का ध्यान रखने से पहले अपनी बेटी और अपने परिवार का ध्यान रखो। यह सुनकर ऋषभ कुछ बोल नहीं पाएगा लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं ऋषभ को अर्जुन के अंदर करण के होने का एहसास होगा। लेकिन जब प्रीता अर्जुन के आमने सामने मिलेगी और प्रीता के सामने अर्जुन के मुंह से गलती से करण का नाम निकलेगा, तभी प्रीता के आंखों से आंसू आ जाएंगे और प्रीता अर्जुन से करण को मिलवाने के लिए रिक्वेस्ट करेगी, लेकिन अर्जुन करण से मिलवाने के लिए मना कर देगा और प्रीता को गुमराह करते हुए कहेगा कि मैं ही करण हूँ और यहाँ पर तुमसे प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बदला लेने आया हूँ। यह सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे लेकिन अर्जुन के साथ साथ उसकी नई गर्लफ्रेंड के रूप में और किसी की नहीं बल्कि सोनल की वापसी होगी, जो प्रीता ऋषभ के खानदान को बर्बाद करने में अर्जुन का साथ देगी। जहाँ पर एक तरफ प्रीता ऋषभ और पूरा लूथरा परिवार होगा तो दूसरी ओर अर्जुन और सोनल होंगे, और लेकिन रूमर्स के अनुसार आपके पुराने करण की वापसी पूरे 5 महीने बाद आपको देखने को मिलेगी। और लेकिन अभी आप करण के बिना प्रीता को देखना चाहते हैं क्या नहीं, और करण के बदले अर्जुन बेवजह ऋषभ प्रीता को सता कर बदला लेगा तो आपको कैसा लगेगा, और आपको यह नई कहानी और यह नए करण के रूप में अर्जुन कैसा लग रहा है, यह सब हम कॉमेंट में जरूर बताएं और अप्लाई को सब्सक्राइब करें।